हम लोग आज सेल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सेल जो कि हमारा फंडामेंटल यूनिट है। आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों कि सेल हमारी बॉडी की बेसिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, राइट? मतलब अगर हमारा सेल वर्किंग मोड में ना हो, काम नहीं कर पाता हो, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के कई सारे फंक्शंस हैम्पर हो जाएंगे, कई सारे फंक्शंस स्टॉप हो जाएंगे, राइट? इसीलिए हम सेल को स्टडी कर रहे हैं। सेल की स्टडी को सेल बायोलॉजी बोलते हैं, राइट? इसे हम साइटोलॉजी भी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज साइटोलॉजी। तो चलिए आज हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। हम सेल के ही बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, आप लोगों ने बहुत जूनियर क्लासेस से ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि सेल हमारा एक फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है एंड फंक्शनल यूनिट है, राइट? मतलब सेल आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। मतलब सेल के बिना आपकी बॉडी का कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। सपोज़ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की मैं बात करूँ, राइट? आप लोगों को पता है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या होता है? नॉर्मल मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मतलब चीज़ों को ब्रेक करना और चीज़ों को जोड़ना, उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ब्रेक करना मतलब कैटा और जोड़ना मतलब एना। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोसेस होती हैं डाइजेशन की, ओके? आपने प्रोटीन कंज्यूम किया, ये प्रोटीन किस में ब्रेक होता है बच्चों? अमीनो एसिड्स में। तो प्रोटीन का अमीनो एसिड्स में स्प्लिट होना, टूटना, ब्रेक होना इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। वहीं पे आप चीज़ों को जोड़ना शुरू कर दें, कंबाइन करना शुरू कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? एनाबॉलिज्म। तो कंबाइनिंग, फिर से एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल आप रिलेट कर पाएंगे आसानी से। अमीनो एसिड्स को जॉइन करके प्रोटीन्स का फॉर्म देना, प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देना, इसे हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे, मिला देंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। ये पूरा मेटाबॉलिज्म कौन कंडक्ट कर रहा है? आपका सेल, राइट? इसीलिए हमने सेल को फंक्शनल यूनिट बोला, ओके? सेल को फंक्शनल यूनिट बोला, लेकिन हमने सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोला है। तो भाई ऐसा क्या है जो आपके सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बना रहा है? तो ज़रा सोच के देखिए, क्या हमारे आसपास जो वॉल्स बनी हुई हैं, ये ब्रिक्स की बनी हुई हैं? यस ऑफ कोर्स। पूरी दीवार बनाने के लिए हमें छोटी छोटी सी ब्रिक्स को यूज़ करना पड़ा और उन्हें जॉइन करके हमने एक पूरा वॉल, एक पूरा रूम तैयार कर लिया, इजंट इट? सिमिलरली आपकी बॉडी में भी बहुत छोटी छोटी सी यूनिट्स हैं और इन छोटी छोटी सी यूनिट्स को हम सेल बोलते हैं। इन सेल को जब आप ज्वाइन करेंगे तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू को कंबाइन कर देंगे तो ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से हायरार्की होती है, जिसके बारे में मैं आपसे अभी थोड़ी देर में बात करने वाली हूँ। तो ये हायरार्की भी हमारी सेल ही मेंटेन करता है, सेल ही शुरुआत करता है, इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर, जस्टिफाइड है, सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। तो सेल बेसिकली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी को डेवलप कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक सेल हो, तुमने ऐसे भी ऑर्गेनिज्म्स देखे होंगे, सुने होंगे, देखे माइक्रोस्कोप में होंगे और सुने होंगे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक सेल है, राइट? तो उसे हम टर्म देते हैं यूनि। एक टेक्निकल टर्म याद रखिएगा, यूनि मतलब वन। तो अगर एक सेल प्रेजेंट है मतलब यूनिसेलुलर, एग्जांपल्स बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, और अगर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं तो इट इज़ मल्टीसेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर और कैन बी मल्टीसेलुलर। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स मल्टीसेलुलर हैं और यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे बैक्टीरिया, फ्यू प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ, ऑल प्रोटोजोआ, बिकॉज प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा कि सेल का डेवलपमेंट हमने या उसके बारे में जानने की प्रोसेस हमने कैसे शुरू की। हमने बहुत सारे एफर्ट्स डाले। सबसे पहला एफर्ट डाला था रॉबर्ट हुक ने,
ओके, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी एंड इट वॉज डिस्कवर्ड इन द टिश्यू, इन अ डेड टिश्यू कॉल्ड एज कॉर्क. कॉर्क के अंदर 1665 में, यहाँ पे ईयर आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सेल बायोलॉजी में कुछ कुछ डिस्कवरीज ऐसी हैं जिन पर डायरेक्टली नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. हमें हर डिस्कवरी का ईयर नहीं याद रखना, क्या क्या और कहाँ कहाँ याद रखना है वो मैं आपको बताती जाऊँगी. तो यहाँ ज़रूर याद रखेंगे आप, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल्स को ऑब्जर्व किया था. ये कॉर्क ओक ट्री में उन्होंने ऑब्जर्व किया था. हम इसे करक्यूरा ओक बोलते हैं, यू कैन कॉमनली कॉल इट एज ओक. ओक ट्री के अंदर जब रॉबर्ट हुक ने सेल्स को ऑब्जर्व किया था तो कुछ इस तरीके से उन्हें सेल्स का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था. देखिए ज़रा, राइट. अब अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो इस सेल में कहीं पर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है. कंसिडर इट टू बी कम्प्लीट सेल. इस सेल में कहीं पर भी न्यूक्लियस नहीं है, isn't it? तो अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या मुझे सेल को डेड बोल देना चाहिए? येस ऑफ कोर्स. अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, द सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड टू बी डेड. दिस इज डेड. ये डेड टिश्यू है बेसिकली. और इसके जो सेल्स हैं इन्हें कंपेयर किया गया विद द सेल्स और विद द कंपार्टमेंट्स ऑफ बी हाइव. भाई मधुमक्खी का छत्ता अगर आप देख लेना तो आपको समझ में आएगा कि उनके अंदर भी कुछ रेगुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बना के बताए हैं. ये रेगुलर डायमेंशन के कंपार्टमेंट्स हैं. इन कंपार्टमेंट्स से मिलता जुलता स्ट्रक्चर कॉर्क में देखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा. तो रॉबर्ट हुक ने इसे कंपेयर किया, इस स्ट्रक्चर को कंपेयर किया विद दिस स्ट्रक्चर और उन्होंने कहा ये लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं. लैटिन लैंग्वेज में इसे हम सेल्यूला बोलते हैं, मतलब लिटिल कंपार्टमेंट्स. तो ये जो लिटिल कंपार्टमेंट्स हो गए ये हमारे सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. फाइन, तो इन्होंने उसे कंपेयर किया विद द चेम्बर्स. सेल का एक्चुअल मीनिंग होता है छोटे छोटे से रूम, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स, चेम्बर्स. और यहाँ पे भी हमने उसे इसी तरीके से रिलेट किया है, राइट. तो ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है. कॉर्क एक डेड टिश्यू होता है बच्चों, रिमेंबर दैट. कॉर्क इज़ अ डेड टिश्यू, कम्प्लीटली डेड टिश्यू है ये. और इस टिश्यू के कारण प्लांट के अंदर वाटर की एंट्री नहीं हो पाती. सो इट इज़ इम्पर्वियस टू वाटर. ये पानी को आसानी से अंदर नहीं जाने देता. सो इट इज इम्पर्वियस टू वाटर, इट्स अ डेड टिश्यू एंड इट वॉज द स्ट्रक्चर वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1665 एंड लेटर ऑन रॉबर्ट हुक ने इस स्ट्रक्चर को एक पब्लिकेशन में प्रेजेंट किया. क्योंकि उस समय हम सेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे तो दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी. वो बुक जिस बुक में रॉबर्ट हुक ने इसे पब्लिश किया, द बुक इज़ माइक्रोग्राफिया. उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, ये भी ध्यान रखेंगे. माइक्रोग्राफिया वॉज द रिसर्च जर्नल. ये नॉर्मल बुक नहीं थी बच्चों, ये रिसर्च जर्नल था जिसके अंदर सेल के इन स्ट्रक्चर्स को प्रपोज किया गया, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अगर मैं सेल की बात करूं फर्दर डिस्कवरीज की, तो मेरे पास और एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी आती है न्यूक्लियस की. सेल के अंदर न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वी नीड टू रिमेंबर दैट. तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी. रॉबर्ट ब्राउन ने जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी तो इन्होंने उसे हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोला था, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल. लेकिन बच्चों एक बात बताइए, अगर न्यूक्लियस दिख गया था तो न्यूक्लियस दिखने के बाद तो सेल को लिविंग बोलना चाहिए था क्योंकि इसके पहले का सेल तो हमने डेड बोला था, डेड सेल कॉर्क था. लेकिन अगर न्यूक्लियस दिख रहा है तो क्या सेल को लिविंग बोल देना चाहिए? यस ऑफ कोर्स, द सेल इज़ नाउ लिविंग. तो ये जो डिस्कवरी थी, इस डिस्कवरी के पहले हमारे दूसरे साइंटिस्ट एंटोन वैन लीवेनहॉक ने 1831 में हमें लाइव सेल या लिविंग सेल के बारे में बता दिया था कि कुछ सेल्स लिविंग भी होते हैं. लिविंग सेल्स डेड सेल से डिफरेंट कैसे हैं न्यूक्लियस के कंपैरिजन में.
डेड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता और लिविंग सेल के पास न्यूक्लियस होता है। तो जो हमारे एंटोन वैन लिवेनहॉक थे, उन्होंने पॉन्ड वाटर को स्टडी किया था और वहाँ पे उन्होंने प्रोटोजोआ सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे बच्चों। इसके बाद उन्होंने और कई सेल्स को स्टडी किया था, उन्होंने ब्लड सेल्स को भी स्टडी किया था, उन्होंने स्पर्मेटोजोआ भी स्टडी किए थे। लेटर ऑन उन्होंने काफ़ी सेल्स को स्टडी करके उनके स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। मीनवाइल रॉबर्ट ब्राउन ने भी न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद हमें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे फेथ आने लगा, हमें समझ में आने लगा कि न्यूक्लियस काम कैसे करता है, राइट? तो चलिए हम कुछ आगे के डिस्कवरीज को भी फटाफट देख लेते हैं। सेल के अंदर एक लिक्विड कॉम्पोनेंट होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म बेसिकली इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर आप सेल को देखेंगे तो सेल के अंदर एक लिक्विड कॉम्पोनेंट होता है, ये रहा मेरा सेल। इस सेल के अंदर एक लिक्विड कॉम्पोनेंट है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है जिसे हम जिसके अंदर के लिक्विड कॉम्पोनेंट को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। आपको याद बहुत आसानी से रह जाएगा, प्रोटोप्लाज्म ये टर्म पुरकिंजे ने दी थी, जेई पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म एंड पी फॉर पुरकिंजे। तो प्रोटोप्लाज्म वो एरिया है, वो जगह है जहाँ पे सेल की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं, जहाँ पे सेल बहुत सारे रोल प्ले करता है। 1931 में नॉल एंड रुस्का, ये दोनों साइंटिस्ट ने एक बहुत ही डेवलप टेक्निक हमारे सामने प्रेजेंट की थी एंड द टेक्निक इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत ही इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप है, इनफैक्ट मोस्ट एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है, जिसमें हम सेल्स के बेसिक स्ट्रक्चर, इवन सेल ऑर्गेनल्स के भी स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व कर सकते थे। भाई पहले तो जब रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया था ना बच्चों, तो उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, इट वॉज जस्ट अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ग्रेजुअली जब माइक्रोस्कोप्स में एडवांसमेंट्स होने लगे, हम लेंसेज के बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज़ करने लगे, तो हमें एडवांस माइक्रोस्कोप मिलते गए एंड वन ऑफ देम इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम्स की मदद से इमेज फॉर्मेशन करता है एंड दैट मेक्स इट मोर स्पेशल, क्योंकि बचे हुए माइक्रोस्कोप नॉर्मल लाइट के प्रेजेंस में इमेज फॉर्म करते हैं। अब हमारे सेल को पूरी तरीके से जज करते हुए कुछ और दो साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली एक थ्योरी प्रपोज की थी, विच इज़ कॉल्ड एज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स अभी हम देखेंगे, जो मेन पोस्टुलेट्स हैं। 1838 और 1839 में सेल थ्योरी बनाई गई थी, फॉर्मुलेट की गई थी। सिंस इट वॉज अ थ्योरी तो उसके जस्टिफिकेशन को बाद में काफ़ी चीज़ें हमें लगी, बट इनिशियली श्लीडन ने अलग स्टेटमेंट्स दिए थे, श्वान ने अलग स्टेटमेंट्स दिए थे बच्चों। दोनों के स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हमने एक कॉमन सेल थ्योरी प्रपोज की थी। नॉर्मल जो सेल थ्योरी को इंट्रोड्यूस करते हुए हम स्टेटमेंट बोलते हैं, इट इज़ दैट कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है या सेल के प्रोडक्ट से बना हुआ है। सेल के प्रोडक्ट्स मतलब जैसे सेल प्रोटीन बनाएगा, सेल एंजाइम्स बनाएगा, हॉर्मोन्स बनाएगा, प्रोटीन से मेम्ब्रेन्स बनेंगी, सेल लिपिड बनाएगा, लिपिड भी मेम्ब्रेन बनाएगा, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपका सेल फॉर्म करता है। सेल थ्योरी के कुछ स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, बट ऑब्वियसली बात है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल हो ही नहीं सकता। जो सेल से नहीं बने हैं उन्हें हम कुछ अलग कैटेगरी देते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि सेल थ्योरी ये बोलती है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। हर एक सेल, राइट? एक क्वेश्चन है ना कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, ये मिस्ट्री सॉल्व करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लाइफ के ओरिजिन की बात है। तो आप ध्यान रखेंगे, लाइफ का ओरिजिन मतलब सेल, हर सेल जब भी डेवलप हुआ है तो वो किसी पुराने सेल से ही बना हुआ है। आपने एकदम से नया सेल नहीं बना दिया, नया सेल ऑल ऑफ अ सडन नहीं डेवलप हो गया, हर नया सेल किसी पुराने सेल से फॉर्म हुआ है। तो ईच सेल और एवरी न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, राइट? सेल कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड ऑल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स आर प्रिपेयर्ड बाई, और रादर ऑल द सेल्स हैव फंडामेंटल सेम स्ट्रक्चर। दिस इज़ वॉट इज सेल थियरी।
1855 में रुडोल्फ वर्चो ने एक स्टेटमेंट और ऐड किया था इसमें, उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था और एक लैटिन लैंग्वेज का स्टेटमेंट है। लैटिन लैंग्वेज हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज है, रिमेंबर इंग्लिश फॉर्मल लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है साइंटिफिक लैंग्वेज। तो ही सेड ओमनिस सेलुला ई सेलुले, मतलब ईच सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज़ वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ओमनिस सेलुला ई सेलुले। लेकिन लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं बच्चों जो सेल नहीं हैं, राइट? सेल नहीं हैं तो उनके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे तो न्यूक्लियस भी नहीं होगा। आर यू गेटिंग? हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं है तो हम उसे लिविंग नहीं कंसिडर करते। और सेल थ्योरी का तो पहला ही स्टेटमेंट था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनाया हुआ है, तो यहाँ तो हम बात ही कुछ अलग कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि लिविंग नहीं माने जाते, जैसे वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायंस। वायरसेस ए सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, ए सेलुलर से मेरा मतलब है जिनके पास सेल नहीं है। सो दीज आर ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ये हमेशा डिपेंड होते हैं होस्ट की बॉडी पे, चाहे वायरस हो बच्चों, चाहे वायरॉइड्स हो, चाहे प्रायंस हो, ये सभी के सभी होस्ट की बॉडी पे निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। रीज़न, ये होस्ट की बॉडी का मेटाबॉलिज्म यूज़ करते हैं। तो अगर होस्ट का मेटाबॉलिज्म इन्हें यूज़ करना है तो डेफिनेटली इन्हें किस पे रिलाई करना पड़ेगा? होस्ट पे ही रिलाई करना पड़ेगा, है ना? और इसीलिए बिना होस्ट के सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमारे पास वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि होस्ट बॉडी के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। इनमें से वायरस लाइक प्रोटीन्स प्रायंस हैं, दीज आर वायरस लाइक प्रोटीन्स। मतलब इनके पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है और उसी प्रोटीन के बेसिस पे इनका नाम है, विच इज़ कॉल्ड एज प्रायन। तो प्रायन प्रोटीन इनके पास होता है, प्रायन प्रोटीन्स, और इसी से बने हुए हैं ये ऑर्गेनिज्म। वायरस लाइक इसीलिए बोले गए क्योंकि ये मोर और लेस वायरस से सिमिलर है। ये पता है क्या करते हैं, हमारे ब्रेन में प्रोटीन्स को अलग तरीके से फोल्ड कर देते हैं और उससे डिफॉर्मिटीज आती हैं और उससे कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। आपको उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वायरॉइड्स, ये वायरस से भी छोटे पार्टिकल्स हैं। सो वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरस, दीज आर स्मॉलर पार्टिकल देन वायरस। इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, है ना? जेनेटिक मटेरियल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये डिसाइड करने के लिए कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं। तो अगर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है तो हम ऑर्गेनिज्म को डेफिनेटली लिविंग बोलते हैं, और अगर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है तो हम ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग बोलते हैं। वायरसेस जो हैं दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। तो कुल मिलाकर आप वायरसेस को कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं। हम बाद में एक चैप्टर में पढ़ेंगे। वायरसेस आर the connecting link between living and non-living. क्यों लिविंग और क्यों नॉन लिविंग आपको समझ में आ गया होगा। लिविंग का मतलब जो सारी एक्टिविटीज़ अपनी खुद ही कंप्लीट कर सकता है, जिसे किसी और पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम लिविंग बोलते हैं, और जो किसी और पे डिपेंडेंट है उसे हम नॉन लिविंग बोलते हैं। तो वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस ये तीनों ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं और उससे सारा नरिशमेंट डिराइव करते हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग, राइट? तो चलिए, यहाँ पे हमने सेल थ्योरी की बात कंप्लीट कर ली है। अब हम आते हैं एक ओवरव्यू ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो हर सेल अपने अपने साइज में वैरी करता है, अपनी एक्टिविटीज़ में वैरी करता है, अपने फंक्शन में वैरी करता है। तो एवरी सेल वैरी इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। हम देख लेते हैं कैसे।
उसकी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो छोटा होगा कि वो बड़ा होगा, उसका नंबर कितना होगा, कम नंबर में होगा, ज़्यादा नंबर में होगा, एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन एक्टिविटीज़। तो कुछ स्मॉलेस्ट सेल्स हैं हमारे पास, जैसे माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO बिकॉज इट वॉज फाउंड कॉजिंग निमोनिया, तो इट इज़ कॉल्ड एज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल वी हैव टिल सो फार एंड इट इज़ 0.3, इट मेजर्स 0.3 माइक्रोमीटर। उसके बाद हमारे पास RBC का डायमीटर है 7 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया जो है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर है, 10 माइक्रोमीटर की रेंज तक प्रोकैरियोट्स होते हैं, बियॉन्ड 10 हमारे पास यूकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोट्स का साइज ऑब्वियसली ज़्यादा है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनके शेप्स अलग अलग हैं। NCERT में ये आपको पूरा का पूरा इमेज दिया हुआ है। इस इमेज में नीचे उन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ है। रिमेंबर बच्चों, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, आप कैप्शंस पे फोकस करेंगे। जैसे ये RBC है, RBC के नीचे क्या लिखा है, दैट दे आर राउंड एंड बाइकॉनकेव। WBCs हैं अमीबॉइड, कॉलमनर एपिथीलियम सेल्स है लॉन्ग नैरो, ट्रिकाइड है लॉन्जिट्यूडनल, राउंड एंड ओवल शेप सेल्स होते हैं हमारे लीफ के अंदर। ये मीजोफिल सेल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द लीफ, है ना। दीज आर द एक्चुअल सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये बाद में पढ़ेंगे आप डिटेल में, अभी फिलहाल सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम। देन वी हैव नर्व सेल्स। नर्व सेल्स थोड़े से स्टार शेप के सेल्स आपको दिख रहे हैं, थोड़े से इरेगुलर सेल्स हैं, जो सेल्स हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन का काम करते हैं। फाइन, अब किसी भी सेल के बारे में हम अगर देखें, अच्छा यहाँ से क्वेश्चंस एक बार देख लें बेटा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मैं बता देती हूँ। दिल गिव यू मैच द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब उन्होंने कॉलम बना दिया, एक कॉलम ए कॉलम बी, RBC, ट्रिकाइड्स, कॉलमनर एपिथीलियम टिश्यू, मीजोफिल सेल्स, और इस तरफ उन्होंने शेप दे दिए। अभी आपको शेप से रिलेट करना है, तो इट विल बी वेरी इजी क्वेश्चन, कवरिंग होगा, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब अगर मैं हर सेल के बारे में बात करूँ, तो किसी भी सेल के अंदर अलग अलग बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है, जहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चैप्टर आपके नीट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं फ्रेम होते हैं। तो विल टॉक अबाउट ऑल दोस सेल ऑर्गेनल्स, जेनेटिक मटेरियल कुछ सेल्स के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर में होता है, विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस, राइट। और अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो वी कॉल दोज ऑर्गेनिजम्स एज यूकैरियोट्स। If a cell possesses nucleus, तो उसे हम eukaryotic cell बोलते हैं। U का मतलब होता है advanced। इसका भी meaning क्या है मैं आपको बताऊंगी। Karyotic term derived है from karyon। Karyon का मतलब होता है nucleus। तो karyotic या karyon का मतलब होता है nucleus। Eukaryotic cells का मतलब ऐसे cells जिनके पास nucleus present है, जिनके पास advanced nucleus है। और prokaryotic cells का मतलब ऐसे cells जिनके पास advanced nucleus नहीं है, they lack nucleus। पर फिर इनका जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रेजेंट है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, विल टॉक अबाउट इट। तो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे हमने सेल्स को कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, 2 categories, वन इज़ यूकैरियोटिक, अनदर इज़ प्रोकैरियोटिक। सो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एक चीज़ तो कॉमन मिलेगी बच्चों आपको, एंड दैट इज साइटोप्लाज्म, जो मैंने आपको अभी बताया था कि सेल के अंदर का ये जो बैकग्राउंड सब्सटेंस है, ये जो मैट्रिक्स है, जो लिक्विड पोर्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम मेजर होता है, इट ऑक्यूपाइज मेजर वॉल्यूम ऑफ योर सेल। कुछ कुछ जगह पे साइटोप्लाज्म नहीं भी होता है, या इसकी क्वांटिटी कम होती है, एंड दैट पोर्शन वो गोल्जी बॉडी वाला रीजन है, इसे हम जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, प्लीज ध्यान दीजिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जोन ऑफ एक्सक्लूजन वो रीजन है, वो एरिया है जहां पर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है और वहां पे साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी न के बराबर है। तो जहां साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी न के बराबर है, उसे हम जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, रिमेंबर दैट।
अब अगर किसी भी यूकैरियोटिक सेल की मैं बात करूं तो उसके पास डिस्टिंक्ट सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके बारे में हमें बात करना है, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो डिस्टिंक्ट सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, दे लैक ऑल्सो सेल ऑर्गेनल्स। बट ध्यान दीजिएगा, यूकैरियोटिक सेल में डेफिनेटली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होने चाहिए, हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी यूकैरियोटिक सेल के पास दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, लाइक राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल। ये दोनों मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है बच्चों। अब फिर से मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन कर रही हूँ। हमारे सेल के पास तीन मेम्ब्रेन्स, तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन्स, तीन कैटेगरीज। वन इज सिंगल मेम्ब्रेन, अनदर इज डबल मेम्ब्रेन एंड अनदर वन इज मेम्ब्रेन लेस। तो अगर मैं मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स की बात करूं तो राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स की बात करूं जिनके पास टू मेम्ब्रेन्स हैं तो इट इज प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड प्लांट्स में होता है, यू नो दैट एनिमल्स दे लैक प्लास्टिड्स, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। और सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है जैसे वैक्यूल, लाइसोसोम्स। तो आपको ध्यान रखना है कि कितने सेल ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, डबल मेम्ब्रेनस हैं या जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है। तो हमारे यूकैरियोटिक सेल के पास भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। राइबोसोम और सेंट्रियोल जो हैं, ये दोनों के फंक्शंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आफ्टर सम टाइम।